नमस्कार दोस्तों, यूरोप की एक छोटी सी कंट्री और इंपोर्ट जो है 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेल्जियम की, जो कि इंडिया से 7 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट करता है और मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करता है। तो आप अभी तक अगर दुबई के पीछे लगे हुए हैं, यूएसए के पीछे लगे हुए हैं, कनाडा के पीछे लगे हुए हैं, तो आप उन कंट्रीज को छोड़ के आपका टारगेट अब बेल्जियम होना चाहिए, क्योंकि बेल्जियम जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर जो है हमसे डील कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेल्जियम को हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से क्या प्रोडक्ट वहां जा रहे हैं और वो क्या क्या हमसे इंपोर्ट कर रहा है, क्या प्रोसीजर है और क्या डॉक्यूमेंट आपको बेल्जियम एक्सपोर्ट करने के लिए बनाने रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्सिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्सिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे गाइड की जाती है। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर हम वीडियो लाते हैं, अलग अलग नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करें कि इंडिया से बेल्जियम हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बेल्जियम हमसे क्या और कितना इंपोर्ट कर रहा है, कितने बिलियन डॉलर का हम जो है बेल्जियम के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये प्रोडक्ट चूज करें और बेल्जियम के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 के अंदर जो एक्सपोर्ट रहा बेल्जियम को 7.84 बिलियन डॉलर का रहा है। तो एक छोटी सी कंट्री और इंपोर्ट आप देखिए 7.84 बिलियन डॉलर का अकेले इंडिया से। मल्टीपल कंट्रीज से और प्रोडक्ट तो इंपोर्ट करते हैं, वो अलग है। तो यहां पे बेल्जियम बहुत इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से। तो आप देखिए कि क्या क्या प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। तो यहां पे जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे बड़ी जो है कंट्री निकल के आ रही है, करीब 2.10 बिलियन डॉलर का जेम्स एंड ज्वेलरी अकेला बेल्जियम हमसे इंपोर्ट कर रहा है। मतलब आप बेल्जियम में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, हैंडमेड ज्वेलरी का, गोल्डन सिल्वर ज्वेलरी का, तो यहां पे आपके लिए एक बेहतर मार्केट हो सकता है, क्योंकि 2.10 बिलियन डॉलर का जो है इंपोर्ट किया जा रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी का। और ये करीब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 35% जंप किया है, मतलब 35% से ज्यादा की ग्रोथ यहां पे देखी गई है। उसके बाद इंजीनियरिंग गुड्स की बात कर लेते हैं, तो 1.73 बिलियन डॉलर का यहां से हमने एक्सपोर्ट किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, 5% का ग्रोथ देखा गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो 1.11 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है, -6% जो है डिक्लाइनिंग भी रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल की हम यहां बात कर लेते हैं, तो 828.52 मिलियन डॉलर का जो है हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, बेल्जियम भी हमसे इंपोर्ट करता है, 574.41 मिलियन डॉलर का जो है हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया बेल्जियम को। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बात करें टोबेको की, तो टोबेको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो इंडिया से बहुत सारी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो यूरोपियन हो, गल्फ हो, एशिया की कई सारी कंट्रीज हो, हम यहाँ से टोबेको सभी जगह एक्सपोर्ट करते हैं। और 269.22 मिलियन डॉलर का टोबेको हमने जो है बेल्जियम के अंदर एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे जो टोबेको का यूज का मैं बात बता दूं आपको, तो टोबेको जनरली जो है वहां पे सिगरेट्स वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है उनके लिए काम में लिया जाता है। च्यूइंग टोबेको जो होता है वो बहुत कम एक्सपोर्ट किया जाता है, बट जो बर्ली लीफ टोबेको होता है, जो लीव्स होती है डायरेक्टली, जो ड्राई लीव्स होती है, उनके बंडल्स को डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया जाता है, तो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है। रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें टेक्सटाइल प्रोडक्ट में, तो 108.24 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। और मेरीन प्रोडक्ट का 179.55 मिलियन डॉलर का हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक्सपोर्ट किया। तो जितने भी मैरीन प्रोडक्ट है वो सब कुछ जो है आप बेल्जियम में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेदर एंड लेदर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 156.84 मिलियन डॉलर का आपने एक्सपोर्ट किया। और इसके बाद अदर प्रोडक्ट की बात करें तो 140.42 मिलियन डॉलर में एक्सपोर्ट किया। प्लास्टिक एंड प्रोडक्ट की बात करें तो 127.25 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया। इसी के बाद मेन मेड यार्न एंड फैब्रिक्स आते हैं जो आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं बेल्जियम को, 95.50 मिलियन डॉलर का हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर एक्सपोर्ट किया था। कॉफी की अगर बात करें तो कॉफी भी बहुत अच्छी बेल्जियम में जा रही है, हमारे यहाँ कॉफी का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और बहुत बढ़िया कॉफी जो है इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट राज्यों से, कर्नाटका वगैरह जैसे राज्यों से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 73.83 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। कॉटन यार्न जो है 59.62 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है। केमिकल प्रोडक्ट एंड ग्लासवेयर प्रोडक्ट 47.13 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अगर हम यहाँ बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमने 45.89 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करें तो 33.19 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। माइका एंड कॉल एंड अदर मिनरल्स इंक्लूडिंग प्रोसेस मिनरल जो है वो 29.57 मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया। उसके बाद कारपेट का एक्सपोर्ट 13.43 मिलियन डॉलर रहा।
चावल हमने एक्सपोर्ट किए 11.41 मिलियन डॉलर के, और मसाले हमारे पूरे वर्ल्ड में जाते हैं तो बेल्जियम में भी जाता है 9.62 मिलियन डॉलर का हमने बेल्जियम में एक्सपोर्ट किया है। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में हमने 9.56 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। जूट मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग फ्लोर कवरिंग 8.74 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। ऑयल सीड हमने 1.94 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। सीरियल प्रिपरेशन एंड मिसलेनियस प्रोसेस आइटम जो है हमने 1.91 मिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट किए हैं। कैशू हमने 1.56 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। और इसके बाद जो है अदर सीरियल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आते हैं ये सब हमने 890,000 डॉलर का एक्सपोर्ट किया। और चाय हमारे यहाँ से बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट है, जो भी हमने 610,000 डॉलर का एक्सपोर्ट किया। मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट में 70,000 डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया। तो ये कुछ प्रोडक्ट थे दोस्तों जो हम बेल्जियम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मोस्टली सभी प्रोडक्ट कवर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक करें चाहे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट करें चाहे मिनरल्स करें चाहे आप स्टोन करें सिरामिक प्रोडक्ट करें लेदर प्रोडक्ट करें ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी सबसे टॉप पे है। तो ये सब प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बेल्जियम को। तो बेल्जियम से आपको एडवांस पेमेंट भी मिलेगा क्योंकि कंट्री बहुत अच्छी है। मैं काफी टाइम तक बेल्जियम में मैंने काम कर रखा है तो वहां से जो है पेमेंट आराम से आता है, एडवांस पेमेंट आ जाता है, बायर ठीक है वहां के। तो आप जो है इन कंट्रीज को टारगेट करें। आप फूड आइटम को लेकर बार बार यूएसए मत ट्राई करें क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपको एफडीए वगैरह बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ जाती है। तो आपको छोटी कंट्रीज को ट्राई करें जहां पर आपके प्रोडक्ट बहुत ईजिली एक्सपोर्ट हो जाते हैं। मोस्टली 200 से ज्यादा कंट्रीज है तो हमारा ध्यान हमेशा यूएसए, यूके, इटली या फिर मान लीजिए दुबई वगैरह ऐसी कंट्रीज पे होता है। बाकी ऐसी कई सारी कंट्रीज है जहां पे लोग अभी तक मार्केटिंग भी नहीं कर रहे हैं, चाहे कितने एक्सपोर्टर इंडिया में बट अभी तक सब लोग सब जगह नहीं है। तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यहां बेल्जियम के अंदर तो क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। सो डॉक्यूमेंटेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ सिखाता हूं इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या बनाने, मार्केटिंग कैसे करनी है, और लाइव बायर फाइंड करके आपको बताया जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा कि बायर कैसे ढूंढना है, मैं कैसे मेरे प्रोडक्ट के लिए बायर बनाता हूं, मैं क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूं और किस तरीके से बायर से बात करके एडवांस पेमेंट भी डालता हूं। ये भी आपको लाइव देखने को सीखने को समझने को मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकल स्टडी पूरी आपको 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग में कराई जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ट्रेनिंग सेशन तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों। डॉक्यूमेंटेशन की जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले जीएसटी लेना है, उसके बाद आपको बैंक से आईडी कोड लेटर लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होगा, आरसीएम से होगा एज पर द प्रोडक्ट, एफएसएसआई रहेगा अगर प्रोसेस फूड है तो, और उसके बाद आपको यहां पे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द शिपमेंट है जैसे परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट एंड बिल ऑफ लेडिंग। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रहेंगे जो ड्यूरिंग द शिपमेंट और शिपमेंट से पहले आपको बनाने। अब बात करते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि क्या प्रोडक्ट आपको बेल्जियम में एक्सपोर्ट करना है। कई सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। जब आपका प्रोडक्ट डिसाइड हो जाएगा उसके बाद आपको सिंपली अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर एक करंट अकाउंट ओपन कराना है बैंक के अंदर, फिर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है जो कि डीजीएफटी से मिलेगा, और उसके बाद आपको आईडी कोड लेटर चाहिए रहेगा। आईडी कोड लेटर के बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन या आईडी कोड रजिस्ट्रेशन जिसको आइसगेट रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है ये आपको करवाना है। उसके बाद आपको उसी पोर्ट पे एक सीएचए अपॉइंट करना है। जब आपका सीएचए अपॉइंट हो जाएगा तो वहां से आप कस्टम के चार्जेस लें कि मेरा एक कंटेनर इतना रहेगा, इतना मटेरियल इसमें जाएगा, उसके चार्जेस क्या रहेंगे। उसके बाद आप बायर फाइंडिंग चालू करें, बायर आपको मिल जाए, बायर को सैंपल वगैरह आप कुरियर कर सकते हैं। जब अप्रूवल आ जाए बायर से ऑर्डर लें, पेमेंट डलवाएं और अपने मटेरियल को एक्सपोर्ट कर दें। आपका सीएचए कस्टम क्लियरेंस करा के आपके मटेरियल को कनेक्टेड वेसल पे लोड कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये एक्सपोर्ट यहां पे कंप्लीट होता है दोस्तों। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट या किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन की आपको जरूरत है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे भी जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।